वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। क्रिसमस के इस फेस्टिवल के पहले से ही सेंटा क्लॉज एरिया में जाते हैं। पिछले 5 से 7 सालों से मैं ऐसा करते आ रहा हूँ। हर साल कोई ना कोई हॉस्पिटल या स्ट्रीट बच्चों के साथ हम लोग ये करते थे, लेकिन ये कोरोना का जो काल शुरू है पिछले 200 दिनों से, तो ऐसे में कोरोना काल की वजह से सेंटा क्लॉज को हम लोग ने ये सब्जेक्ट रखा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से 3 मुद्दे हैं कि मास्क का वापर और हाथ को सैनिटाइज और सुरक्षित अंतर, ये तीनों ही मुद्दों पे हमने सेंटा क्लॉज के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का काम किया, जो एक बेस्ट तरीका है। ट्रेनें फ़िलहाल 100% फ्रिक्वेंसी पे नहीं है, तो BST बसेस के हर एक स्टेशनों पे काफ़ी कर दी है। तो हमने ये सब्जेक्ट रखा कि पहले हम साइंस से माटुंगा से वड़ा तक जितने बस स्टॉप हैं और बसेस हैं उनको सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के बॉक्स बनाएंगे और लोगों तक मास्क पहुँचाएंगे। जनरली जो सेंटा क्लॉज करते हैं, हर साल हम बच्चों को गिफ्ट, चॉकलेट गिफ्ट हो गया, उनके स्टेशनरी हो गए, जो भी सेंटा क्लॉज देते थे, सरप्राइज बलून्स हो गए, वो हम लोग करते थे, जो बच्चों को बहुत पसंद थे तो वो देते थे। इस बार आप सैनिटाइज कर रहे हैं, इस समय इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हम लोग या तो एंड मोमेंट पे है या तो पिक मोमेंट पे है, वो दोनों में से कौन सा मोमेंट है वो हमें पता नहीं। जो हर बार हम लोग गिफ्ट देते थे उससे ज़्यादा वो सरप्राइज हो रहे हैं कि सेंटा क्लॉज उनको मास्क दे रहा है, उनके हाथ सैनिटाइज करा रहा है। कहीं ना कहीं खुशी है उनमें भी। ज़रूर बच्चों में खुशी इस बात की है कि उनको सेंटा जो है सैनिटाइज भी करवा रहा है, उनको मास्क भी गिफ्ट दे रहा है, तो बच्चों में खुशी है।